Good morning students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 16th of November 2022, Wednesday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. और इसी Telegram channel पर आपको Economic Times, Mint और Business Standard की news headlines की separate PDF भी मिल जाएगी. तो start करते हैं आज का discussion. Motivation of the day is, you can, you should, and if you are brave enough to start, you will. And these are the Mint news headlines. And in today's Business Standard news discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1 of Business Standard. और इसी के साथ हम page number 1 पर दिया हुआ एक और article भी cover करेंगे जो कि रशिया के वॉस्ट्रो account से related है. तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल क्या है. इंडियाज एक्सपोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर फर्स्ट टाइम इन 2 ईयर्स. ग्लोबल लेवल पर मोस्ट स्पेसिफिकली जो वेस्टर्न इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पर जो डिमांड है और जो रिसेशन जो डिमांड है वो लो हो रही है. जो रिसेशन का फियर जिस तरीके से ब्लूम आउट कर रहा है उसकी वजह से इंडिया का जो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट है वो अपने पिछले लास्ट 2 ईयर्स में पहली बार फॉल कर गया है या बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर गया है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. ट्यूसडे को कॉमर्स डिपार्टमेंट ने ट्रेडिंग का डेटा रिलीज़ किया है या ट्रेड का डेटा रिलीज़ किया है और उस डेटा के अकॉर्डिंग अक्टूबर के महीने में जो एक्सपोर्ट है इंडिया का वो डिक्लाइन किया है 16.65%. यानी अप्रॉक्सीमेटली 16% का फॉल हमें देखने को मिल रहा है इंडिया के एक्सपोर्ट में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर जो कि अप्रॉक्सीमेटली $29.78 बिलियन तक पहुँच गया है. और उसी कंपैरिजन में अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें तो इंपोर्ट में केवल और केवल 1.7% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है. तो मॉडरेट लेवल से ग्रो किया है इंपोर्ट. अप्रॉक्सीमेटली $56.69 बिलियन का इंपोर्ट इंडिया ने अक्टूबर के मंथ में किया है. तो एक साइड तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, दूसरे साइड हमारे इंपोर्ट में इंक्रीज देखने को मिल रहा है जिसका इंपैक्ट हमारे ट्रेड डेफिसिट पर क्लियरली विजिबल है. जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है अप्रॉक्सीमेटली $26.91 बिलियन तक पहुंच गया है जो कि लगातार 5वें महीने $25 बिलियन से ऊपर है अकॉर्डिंग टू द डेटा पब्लिश्ड बाई कॉमर्स डिपार्टमेंट. और जो ये कॉन्ट्रैक्शन हमें एक्सपोर्ट में देखने को मिल रहा है, एक्सपोर्ट जो है उसका रीज़न ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से एक्सटर्नल डिमांड स्लो हो रही है, इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट करती है इंडिया उसमें जो डिमांड है उसकी एक्सटर्नल मार्केट में वो स्लो डाउन हो रही है. क्यों स्लो डाउन हो रही है? क्योंकि रिसेशन का फियर भी आ रहा है. 23 फाइनेंशियल ईयर जो अपकमिंग कैलेंडर ईयर 23 उसमें एक हाई रिसेशन प्रेडिक्ट किया जा रहा है जिसकी वजह से जो एक्सटर्नल डिमांड है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है. अपार्ट फ्रॉम इट रिसेंटली जो फेस्टिव सीजन रहा उसकी वजह से हॉलीडेज जो हैं उसमें भी इंक्रीज देखने को मिला जिसकी वजह से भी जो शिपमेंट है वो डिक्रीज हुआ है. या हम बोलें और स्पेसिफिक जो आउटवर्ड शिपमेंट है वो डिक्रीज हुआ है. तो एक रिसेशन, एक्सटर्नल डिमांड और फेस्टिव सीजन की वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है एज पर द एक्सपर्ट. और इससे पहले यानी इससे पहले 2 साल तक अप्रॉक्सीमेटली लास्ट 2 ईयर्स में इंडिया के एक्सपोर्ट में हमें कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने को मिल रही थी. हालांकि इससे पहले नवंबर 2020 ऐसा महीना था जिसमें एक्सपोर्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया था लास्ट टाइम अप्रॉक्सीमेटली 8.74% से. तो पिछली बार नवंबर 2020 में एक्सपोर्ट में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वो भी केवल 8% का अप्रॉक्सीमेटली. और अगर हम कमोडिटी वाइज देखें तो जो 30 की कमोडिटीज़ हैं जो इंडिया एक्चुअली में एक्सपोर्ट करता है तो उसमें से केवल और केवल जो 6 कमोडिटीज़ ऐसी हैं जिनमें एक्सपोर्ट में ग्रोथ देखने को मिला. कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, राइस, टी, ऑयल सीड, ऑयल मिल एंड टोबैको. इन 6 कमोडिटीज़ में जो ग्रोथ है वो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो पॉजिटिव है. इसके अलावा जो अदर की कमोडिटीज़ हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला जिनकी हमें एक्सपोर्ट में फॉल देखने को मिल रहा है वो है इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, केमिकल्स, रेडीमेड गारमेंट्स. और अगर केयरफुली देखें तो इन सब कमोडिटीज़ में, इन सारी की कमोडिटीज़ में एटलीस्ट डबल डिजिट का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है. तो ये कहीं ना कहीं डेटा स्लो डाउन को इंडिकेट कर रहा है कि एक्सटर्नल जो मार्केट है उसमें रिसेशन की वजह से डिमांड नहीं है जिसकी वजह से जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. सो दीज आर द की कमोडिटीज़ दैट हैव शोन एक्सपोर्ट डिक्लाइन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. और एक्सपोर्ट्स का यह कहना कि प्रॉबेबली आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है अगर रिसेशन जो है वो
स्प्रेड आउट होता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। 9 रशियन बैंक्स ओपन स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट फॉर रुपी ट्रेड। तो इंडिया रशिया के बीच में जो बाइलेटरल अरेंजमेंट हुआ है पेमेंट को लेकर के, उसमें प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली 9 स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन करने की परमिशन दे दी है विद 2 इंडियन लेंडर्स। कौन कौन से इंडियन बैंक्स इसमें इन्वॉल्व हैं? यूगो और इंडसइंड बैंक। सीधा रीजन क्या है, क्यों वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन किया जाने? जिससे कि इंडिया और रशिया के बीच में जो बाइलेटरल ट्रेड है उसको लोकल करेंसी में प्रमोट किया जा सके, जैसे कि इंडियन रुपी में। तो इंडियन रुपी को इंटरनेशनलाइज करने का ये एक स्टेप हो भी सकता है। इसके अलावा जो मेजर रीजन है बिहाइंड दिस ओपनिंग ऑफ न्यू वॉस्ट्रो अकाउंट इज टू प्रमोट द इंडिया रशिया बाइलेटरल ट्रेड। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 एंड आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। बैंक बोरोइंग्स अप 2x एमिट रश टू फंड क्रेडिट। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल तो आपको पता होगा, अभी 15 दिन पहले हमने जब न्यूज़ डिस्कस करा तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच की सिचुएशन देखने को मिल रही है। लिक्विडिटी नहीं है, बैंक्स की जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज़ हो रही है, उसके कंपैरिजन में जो डिपॉजिट रेट है वो उतना सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से बैंक्स ने FDs के जो रेट से रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज़ कर दिए थे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स हैं वो FD के फॉर्म में सेविंग करें और जो बैंक्स हैं उसके पास सफिशिएंट लिक्विडिटी और कैश और फंड अवेलेबल हो इन ऑर्डर टू सैशिएट द क्रेडिट ग्रोथ और क्रेडिट डिमांड इन द इकोनॉमी। हालांकि जो FD के फॉर्म में जो डिपॉजिट देखने को मिला वो उतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना कि बैंक एंटिसिपेट कर रहे थे, या इतना नहीं हुआ सफिशिएंट नंबर में जिससे कि बैंक जो है वो क्रेडिट डिमांड को सैशिएट कर पाए, क्रेडिट डिमांड को फुलफिल कर पाए। तो जो डेटा है वो अगर उसको हम देखें तो लास्ट कुछ सालों में जो हाई क्रेडिट ग्रोथ रेट है उसकी वजह से जो शॉर्ट टर्म मार्केट बोरोइंग्स हैं बैंक्स की वो 100% तक इंक्रीज हो चुकी हैं। तो पिछले कुछ टाइम को अगर हम देखें या बोलते हैं एमिड डिकेड हाई बिकॉज ऑफ द हाई क्रेडिट ग्रोथ रेट द शॉर्ट टर्म मार्केट बोरोइंग्स ऑफ बैंक्स हैव सर्ज अप टू 100%। क्यों? क्योंकि अगर क्रेडिट ग्रोथ रेट हाई है, बैंक्स को लिक्विडिटी चाहिए उस क्रेडिट ग्रोथ रेट को सैशिएट करने के लिए, डिमांड अगर लोन की ज़्यादा है इकोनॉमी में तो लोन देने के लिए बैंक्स के पास पैसा भी होना चाहिए। तो पैसा डिपॉजिट रेट से आता है, कहाँ से आता है? जो डिपॉजिट करते हैं हाउस होल्ड्स और इंस्टीट्यूशन अपनी सेविंग जो करते हैं उससे पैसा आता है। इसके अलावा बैंक्स का अपना खुद का कैपिटल होता है। अपार्ट फ्रॉम इट बैंक जो होते हैं वो बोरोइंग्स भी करते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि बिकॉज ऑफ द हाई क्रेडिट ग्रोथ रेट बैंक्स की जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं वो 100% तक इंक्रीज हो गई। इसके अलावा अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो इस फाइनेंशियल ईयर में क्रेडिट डिमांड या क्रेडिट ग्रोथ रेट इतनी ज़्यादा हाई थी कि बैंक्स को एडिशनल एवेन्यूज, एडिशनल मेजर्स, एडिशनल सोर्सेज सर्च आउट करने पड़े इन ऑर्डर टू फंड द एक्सेलरेटेड पेस ऑफ लोन डिमांड। और ये बात कहाँ से रिफ्लेक्ट होती हो रही है? रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेटा रिलीज़ किया, लेटेस्ट डेटा जहाँ पर बैंक्स की बोरोइंग्स पर डेटा रिलीज़ हुआ है, और उस डेटा के अकॉर्डिंग जो बैंक्स की बोरोइंग है वो अक्टूबर के मंथ में अप्रॉक्सीमेटली 5.49 ट्रिलियन तक पहुंच गई, जो कि मार्च में इसी साल के मार्च में अप्रॉक्सीमेटली 2.74 ट्रिलियन ही थी। तो हम देखें जस्ट 100% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और इसका रीज़न क्या है कि जो लोन डिमांड थी इकोनॉमी में इस समय वो बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से बैंक्स ने एक्सटर्नल बोरोइंग्स करी, या बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म मार्केट बोरोइंग्स करी इन ऑर्डर टू सैशिएट दीज टाइप्स ऑफ लोन डिमांड्स। और अगर डेटा को बहुत क्लियरली देखा था तो जो भी बैंक्स ने फंड रेज किया है, जो भी बैंक्स ने बोरोइंग्स करी हैं वो शॉर्ट टर्म के फंडिंग रूट्स के ही थ्रू करी हैं, जैसे कि इंटरबैंक रेपो ऑपरेशंस एंड ट्राई पार्टी रेपोस। इसके अलावा टियर 1 बॉन्ड्स भी कुछ बैंक्स ने इशू किए इन ऑर्डर टू रेज अ फंड। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा हमने कई बार कवर भी किया जब किसी बैंक ने टियर 1 बॉन्ड्स इशू किए, तो एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स भी बैंक ने इशू किए इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कैपिटल सो दैट बैंक्स कैन एक्चुअली फुलफिल द लोन डिमांड। एंड दिस इंक्रीज इन बैंक बोरोइंग पिक्ड अप इन द अर्नेस्ट फ्रॉम ऑफ द जून। तो ये जो मार्च के बाद जो सडन इंक्रीज देखने को मिला ये जून के मंथ से इंक्रीज देखने को मिला है। जून के मंथ में अप्रॉक्सीमेटली 3.78 ट्रिलियन तक बोरोइंग पहुंच गई थी, जो कि अक्टूबर आते आते 5 ट्रिलियन तक आ गई है। एंड दिस इज द आउटस्टैंडिंग बैंक बोरोइंग्स फ्रॉम मार्च 25 टू अक्टूबर 21। तो देख सकते हैं क्लियरली मार्च में अप्रॉक्सीमेटली 2.744 ट्रिलियन था, जो कि अक्टूबर तक आते आते 5.49 ट्रिलियन तक
आउटस्टैंडिंग जो बोरोइंग्स है वो बैंक्स के पहुंच गई। मोर स्पेसिफिकली इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग ज़्यादा है और इवन एक्सपर्ट का भी ये मानना है दैट बैंक शुड और बैंक कुड रिलाई ऑन शॉर्ट टर्म एंड ओवरनाइट इंस्ट्रूमेंट अलॉन्ग विद गार्नरिंग फंड थ्रू लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स That is also given on page number 6. Share of low-cost deposits declines as FD rates rise. अभी हमने डिस्कस किया क्योंकि बैंक्स क्रेडिट की जो डिमांड थी जो क्रेडिट ग्रोथ रेट थी वो इंक्रीज हो रही थी इकॉनमी में जिसकी वजह से बैंक के पास लिक्विडिटी नहीं थी सफिशियंट उस डिमांड को सैशिएट करने के लिए उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए तो बैंक्स ने FD के जो रेट थे वो रेट मीन्स हेयर इंटरेस्ट रेट वो इंक्रीज कर देते जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हाउस होल्ड्स और इंडिविजुअल FD के फॉर्म में अपनी सेविंग करें और जिसकी वजह से बैंक के पास सफिशेंट फंड हो किसको क्रेडिट डिमांड को सैशिएट करने के लिए क्रेडिट डिमांड को फुलफिल करने के लिए तो जिसकी वजह से रीसेंट टाइम में जो FD के रेट्स थे वो इंक्रीज हुए थे। हालांकि अगर आपको याद हो COVID-19 के ड्यूरेशन में यही एनी FD के रेट्स बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गए थे 4% तक पहुंच गए थे। अब रीसेंट टाइम में जो एवरेज FD इंटरेस्ट रेट है वो 5-6% इवन कुछ बैंक 6 के ऊपर भी ऑफर कर रहे हैं। तो इसी ट्रेंड की वजह से जो कि FD रेट में सडन इंक्रीज और एक ट्रेंड देखने को मिला कि FD रेट में इंक्रीज हो रहा है जैसी इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज होने की वजह से जो लो कॉस्ट डिपॉजिट्स हैं जैसे कि करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट उनकी ग्रोथ में हमें मॉडरेशन देखने को मिल रहा है एज पर द रीसेंट डेटा। तो जो सेविंग अकाउंट्स हैं जो करंट अकाउंट्स में जो पैसा रखते थे इंडिविजुअल जहाँ पर हमें 2-4% के इंटरेस्ट रेट मिलते थे अब उसमें मॉडरेशन आ गया क्यों क्योंकि इंडिविजुअल्स आर ऑप्टिंग मोर FD क्योंकि FD में अप्रॉक्सीमेटली उन्हें 6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है एंड मोस्ट बैंक दैट हैव अनाउंस्ड देयर जुलाई एंड सेप्टेम्बर अर्निंग्स विद ईदर फ्लैट ग्रोथ और डिप इन देयर कासा रेशियो। कासा स्टैंड्स फॉर करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स। तो कासा में जो लो कॉस्ट डिपॉजिट जिनको बोला जाता है कासा शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं तो उनमें हमें मॉडरेशन उनकी ग्रोथ में मॉडरेशन देखने को मिल रहा है। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो कासा रेशियो है वो अप्रॉक्सीमेटली 44.63% तक डिक्लाइन हो गया है क्वार्टर टू ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में जो कि एक साल पहले अप्रॉक्सीमेटली 46.24% था। तो 46.24% से डिक्रीज होकर के 44.63% तक पहुंच गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कासा रेशियो। रीजन बिहाइंड दिस इंक्रीज इन FD इंटरेस्ट रेट और यही सेम ट्रेंड हमें जो अदर बैंक्स हैं उनमें भी देखने को मिल रहा है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स हों चाहे वो पब्लिक सेक्टर लेंडर हो। HDFC के जो डेटा रिलीज हुआ है Q2 का उसमें भी सेम ट्रेंड ही विजिबल हो रहा है। तो अगर हम देखें HDFC ICICI बैंक एक्सिस बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा कनारा बैंक इन सब में सेम ट्रेंड विजिबल हो रहा है जैसा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सबके जो कासा रेशियो हैं वो थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। इसका रीज़न इंडिविजुअल्स आर ऑप्टिंग मोर FDs बिकॉज ऑफ द हायर इंटरेस्ट रेट और हायर रेट ऑफ रिटर्न। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 8 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। ग्लोबल पॉपुलेशन हिट्स 8 बिलियन हेयर इज हाउ इट्स चेंजेस द वर्ल्ड ओवर नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स। बेसिकली ये एक न्यूज़ के साथ ये एक एडिटोरियल भी है जहाँ पर ऑथर ने ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करी है कि क्या ट्रेंड रहा है ग्लोबल पॉपुलेशन का और आगे आने वाले डिकेड्स में किस तरीके से वर्ल्ड को चेंज करेगा। तो जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो ट्यूसडे को 8 बिलियन तक पहुंच गई है एंड इट्स अ ह्यूज अमाउंट एज पर द यूनाइटेड नेशन एस्टिमेट्स। और यूनाइटेड नेशन का ये भी कहना है कि अगर इसी तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती रही तो डेफिनेटली इट मे क्रिएट अ हैवॉक। और स्पेशली अगर हम देखें तो या स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो जो लो इनकम कंट्रीज़ है वहाँ पर जो बर्थ रेट है उस बर्थ रेट को टारगेट करते हुए इंटरनेशनल बॉडी ने कहा है कि जो लो इनकम कंट्रीज़ है वहाँ पर जितना पेस का बर्थ रेट है दैट इज़ एक्चुअली लाइकली टू क्रिएट द रिस्क इन फ्यूचर आगे आने वाले टाइम में वो और ज़्यादा चैलेंजेस ग्लोबल इकोनॉमीज के लिए खड़ा करेगा। तो 8 बिलियन की ग्रोथ रेट का मतलब क्या है एज पर द यूनाइटेड नेशन। तो सबसे पहला जो ट्रेंड यूनाइटेड नेशन ने आइडेंटिफाई किया दैट इज स्लोइंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। हालांकि लास्ट सेंचुरी का अगर हम डेटा देखें तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और हेल्थ के केसेस में हमें एडवांसमेंट देखने को मिले हैं जिसकी वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज हुई है जिसकी वजह से हमें लास्ट सेंचुरी में ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो हेल्थ एडवांसमेंट की वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होने की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है जिसका इम्पैक्ट क्लियरली विजिबल हो रहा है ग्लोबल पॉपुलेशन पे।
हालांकि अगर एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ को देखें तो वो अभी अपने स्लोएस्ट पॉइंट पर है, 1950 के कंपैरिजन में अपने स्लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है जिसकी वजह से ये पॉपुलेशन हमें या पॉपुलेशन बर्स्ट हमें देखने को मिल रहा है। एंड व्हाइल इट टुक 12 इयर्स फॉर द वर्ल्ड पॉपुलेशन टू जंप बाय अ बिलियन, इट विल टेक 15 ईयर्स टू हिट द नेक्स्ट माइलस्टोन। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तो डिक्लाइन हो रहा है, बट हेल्थ एडवांसमेंट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंप्रूवमेंट की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम इट, लेट अस डिस्कस अनदर ट्रेंड, फ्यूअर बेबीज इन रिच कंट्रीज। तो कहीं ना कहीं यूएन ने भी आइडेंटिफाई किया कि जो वेल्दी कंट्रीज हैं या हाई इनकम कंट्रीज हैं वहाँ पर जो बर्थ रेट है वो लो इनकम कंट्रीज से कंपेरिजन में ज़्यादा है, और इवन जो रिच कंट्रीज़ हैं वेल्दी कंट्रीज हैं वहाँ पर हमें स्लो डाउन भी देखने को मिला है बर्थ रेट में, जैसे कि साउथ कोरिया, फ्रांस जैसे कंट्रीज़। और उसमें किसी किसी कंट्री में इतना लो बर्थ रेट है दैट कंट्री इज़ एक्चुअली फेसिंग अ पॉपुलेशन फॉल बिकॉज दे आर नॉट हैविंग इनफ बेबीज टू रिप्लेस द एल्डरली। और इसीलिए गवर्नमेंट ने वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ज़्यादा कुछ स्कीम्स चलाई हैं पे आउट्स की, कि बेटर हाउसिंग लोन ऐसी फैमिलीज को प्रोवाइड किया जाएगा जिनके ज़्यादा किड्स होंगे, सो दैट रिप्लेसमेंट शुड बी प्रॉपर। किसी भी इकॉनमी में, किसी भी कंट्री में जीरो या निगेटिव ग्रोथ रेट या बर्थ रेट इज़ नॉट गुड, रिप्लेसमेंट रेट, एक सफिशेंट रिप्लेसमेंट रेट होना चाहिए। रिप्लेसमेंट रेट मीन्स इतने ग्रोथ रेट होना चाहिए पॉपुलेशन का जिससे कि जो एल्डरली हैं वो रिप्लेस हो पाए, वर्किंग हैंड्स बने रहे। तो इसीलिए कुछ कंट्रीज में जो हाई इनकम कंट्रीज है वहां पर जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा पे आउट ऑफर कर रही है, फाइनेंशियल इंसेंटिव दे रही फैमिलीज को टू हैव मोर किड्स सो दैट दे कैन हैव द प्रॉपर रिप्लेसमेंट। बेबी बूम इन पुअरर नेशंस, हालांकि ये बात रही रिच कंट्रीज की, लेकिन अगर पुअर कंट्रीज की बात करें, लो इनकम कंट्रीज की बात करें, उनमें हमें जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा देखने को मिला है, प्रोजेक्टेड इंक्रीज देखने को मिल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 2050 तक। और ऐसे कौन कौन से कंट्रीज है, सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज लाइक नाइजीरिया एंड इथोपिया एज वेल एज द अदर इमर्जिंग नेशंस जस्ट लाइक इंडिया, पाकिस्तान एंड फिलीपींस। तो जो वर्ल्ड की जो मेजर पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इन्हीं कंट्रीज पर एक्चुअली डिपेंड करती है, या हम बोल सकते हैं या दीज कंट्रीज आर अकाउंटेड फॉर मोस्ट ऑफ द फ्यूचर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज और इमर्जिंग एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान एंड फिलीपीन। और इन्हीं कंट्रीज़ के लिए जो ये ग्रोथ रेट है ये इन्हीं कंट्रीज से खुद इन्हीं कंट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगी, बिकॉज दीज टाइप्स ऑफ कंट्रीज आर ऑलरेडी सफर फ्रॉम लो इनकम पर कैपिटा। इसके अलावा और ज़्यादा अब जो किड्स अगर आएंगे, बच्चे आएंगे तो उनको फीड करने के लिए दे डोंट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेस। तो एक वर्ल्ड के लिए भी ये चैलेंज है और जो ये बड़े कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी ये चैलेंजेस हैं। अपार्ट फ्रॉम इट और भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस इस आर्टिकल में दिए हुए हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। कॉरपोरेट प्रॉफिट्स decline in quarter 4, a first in 9 quarters. The post-COVID boom in corporate earnings as expected seems to have ended. At least for now, companies saw margins and profits shrink in the July and September quarter. तो quarter 2 का data release हो रहा है, banks भी release कर रहे हैं अपने financial data और companies भी release कर रही हैं। तो अगर हम financial year 23 का quarter 2 का data देखें तो जो companies हैं उनकी जो margins हैं, उनका जो profit है वो July और September quarter में shrink होता हुआ दिख रहा है। तो COVID-19 के बाद जो एक sudden rise देखने को मिला था profit में, companies के margins में, उनके revenue में, वो ट्रेंड अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। एंड नोटेबली दिस इज द फर्स्ट डिक्लाइन इन इंडियन INC's क्वार्टरली अर्निंग सिंस अप्रैल जून 2020। तो अप्रैल जून 2020 क्वार्टर से लेकर के अभी तक का ये पहला डिक्लाइन है। तो हम देखें हमारा एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन कर रहा है, कॉरपोरेट्स अर्निंग भी डिक्लाइन करना शुरू हो गए, तो कहीं ना कहीं जो रिसेशन और इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो अब इंडियन कंपनीज पर भी विजिबल होने लगा है। सो दिस इज़ द क्वार्टरली नेट प्रॉफिट डेटा, दिस इज़ द क्वार्टरली नेट सेल ग्रो डेटा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन हैव अ डिटेल एनालिसिस ऑफ इट। मस्ट नॉट प्रमोट रिस्ट्रिक्शन ऑन एनर्जी सप्लाई, PM at Bali Meet।
रीसेंट टाइम में COP27 के बाद से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो G20 की मीटिंग में मिले हैं जो कि इंडोनेशिया में हो रही है, वहाँ पर भी एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस हो रहे हैं। जैसे कि रिसेंटली COP27 में इंडिया ने एक लॉन्ग टर्म एमिशन एजेंडा सबमिट किया था, हमने उसको भी कवर किया था। अब चूँकि G20 मीटिंग साथ ही साथ लगी हुई थी जस्ट बाद COP27 के, तो डेफिनेटली इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हम जान भी रहे हैं कि रिसेंट टाइम में जो वेस्ट कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़, उनका एफर्ट्स है कि जो रशियन ऑयल है और गैस है उसको ग्लोबली बायकॉट किया जाए, और इंडिया पर इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इंडिया बायलैटरल ट्रेड कर रहा है रशिया से, मोर स्पेसिफिकली इन्हीं दोनों सेगमेंट में, ऑयल और गैस में। तो जो वेस्ट का एफर्ट है कि रशियन ऑयल को, रशियन गैस को के यूज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, उसको लेकर के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हम बोल सकते हैं इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने G20 समिट बाली में जो हो रही है वहाँ पर पॉइंट आउट किया कि द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, एनर्जी सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, और किसी भी तरीके से एनर्जी सप्लाई या एनर्जी के प्रमोशन को रिस्ट्रिक्शन में नहीं डालना चाहिए, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने या बोल सकते हैं इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव ने G20 समिट में बोला था। बेसिकली इंडिया ने सेल्फ इंटरेस्ट को ऊपर रखते हुए ये बोला कि इन एनी कंडीशन द एनर्जी सप्लाई शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड, देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि इंडिया जैसा कंट्री जो कि मेजर डेवलपिंग इकोनॉमी है उसके लिए एनर्जी नीड इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशिंग बायलैटरल रिलेशन। और एनर्जी नीड को अगर, एनर्जी सप्लाई को अगर किसी भी तरह के एनर्जी सप्लाई में अगर रिस्ट्रिक्शन आता तो उसका इंपैक्ट इंडिया के जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है इकॉनमी, उस पर क्लियरली विजिबल होगा। तो इसीलिए इंडिया ने इस बात को रीइटरेट किया कि कोई भी तरह का रिस्ट्रिक्शन एनर्जी सप्लाई में इंडियन इकॉनमी को वर्स तरीके से इंपैक्ट कर सकता है, इसीलिए किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन एनर्जी सप्लाई में प्रमोट नहीं करना चाहिए किसी भी ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को। अपार्ट फ्रॉम एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी को लेकर के भी कुछ डिक्लेरेशन किए हैं इंडिया ने। तो एनर्जी और फूड सिक्योरिटी इंडिया के लिए फिलहाल के लिए G20 में एक इम्पॉर्टेंट इशू बन रहे हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, फोकस इज टू कैप्चर नॉट होल्ड कार्बन एमिशन। तो जो लॉन्ग टर्म एजेंडा सबमिट किया है इंडिया ने COP27 में, और इस जिस तरीके से G20 में इंडिया अपने पॉइंट्स को रीइटरेट कर रहा है उसको देखते हुए कई बार ये एलिगेशन भी लग रहा है इंडिया में कि क्या इंडिया जो है वो कार्बन एमिशन को पूरी तरीके से होल्ड करना चाह रहा है, क्योंकि अगर कार्बन एमिशन होल्ड होगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट ग्रोथ पर देखने को ज़रूर विजिबल होगा, क्योंकि इंडिया एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेफिनेटली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एमिशन इज एक्चुअली रिक्वायर। बट इंडिया जिस तरीके से फोकस कर रहा है कार्बन एमिशन पर, ग्रीन हाउस एमिशन पर, उसको देखकर ये रहता है कहीं ना कहीं ये इंडिया के ग्रोथ पैटर्न को इम्पैक्ट करता है। उसी को लेकर के क्लैरिटी दी है मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने, उन्होंने बोला कि जो भी प्लानिंग करी गई है जीरो कोल इम्पोर्ट को लेकर के, जीरो एमिशन को लेकर के, वो इंडिया के इंटरेस्ट को ध्यान में रख कर के ली गई है। जो मिनिस्ट्री है कोल मिनिस्ट्री, वो सारे एफर्ट्स करेगी, कौन से एफर्ट्स, सारे एफर्ट्स करेगी जिससे कि जो कोल का प्रोडक्शन है इंडिया में, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ किया जा सके, और जो टारगेट सेट किया गया है कि आगे आने वाले 2 सालों में हम ज़ीरो कोल इम्पोर्ट अचीव करेंगे वो भी फुलफिल हो जाए। इसके अलावा एमिशन को लेकर के भी डेफिनेटली, अगर प्रोडक्शन होगा कोल का तो एमिशन भी होगा, तो एमिशन को लेकर भी मिनिस्ट्री ने क्लियर, जो मिनिस्टर उन्होंने क्लियरली इस बात का इंडिकेशन दिया है कि हम सिर्फ उसको रिड्यूस करना चाह रहे हैं, वी वांट टू कैप्चर द कार्बन एमिशन, कम्प्लीटली हॉल्ट नहीं करना, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल फॉर डेवलपिंग इकोनॉमी जस्ट लाइक इंडिया। अब देख लेते हैं नेक्स्टली, पैट्रा पॉलिसी ट्रांसमिशन डिसजॉइंटेड इन बॉन्ड मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बोल सकते हैं बहुत टेक्निकल न्यूज़ है, बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं इसको डिस्कस करूँगी। बेसिकली जब भी RBI या और स्पेसिफिकली बोले MPC मॉनेटरी पॉलिसी के मैटर, तो जब भी मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट रेट डिसाइड होते हैं, तो जब भी मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स डिसाइड होते हैं या जब मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट डिसाइड होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है उनका ट्रांसमिशन, कि जो भी मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स में चेंज आया है क्या वो एटलीस्ट जो लेटेस्ट या जो एंड यूज़र है उस तक उसका इम्पैक्ट पहुंच रहा है, इकॉनमी में एक्चुअली चेंजेस का ट्रांसमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। कई सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इलैबोरेटेड डिस्कशन रिक्वायर है इस टॉपिक के लिए, बट अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम इतना इलैबोरेटेड डिस्कशन कर पाएँ। तो बेसिकली जो मिस्टर पैट्रा हैं, पैट्रा कौन है,
माइकल पार्टर, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, उनके अकॉर्डिंग जिस तरीके से डोमेस्टिक मार्केट है उसमें कुछ फीचर्स ऐसे देखने को मिले, कुछ चेंजेस ऐसे देखने को मिले हैं जिसकी वजह से जो मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन है वो इम्पैक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ द अनइवन मार्केट लिक्विडिटी एंड सम डोमेस्टिक मार्केट सिचुएशन फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी. एंड बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस द ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज और द ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट इज एक्चुअली बिकमिंग अ चैलेंज फॉर गवर्नमेंट. की तो आरबीआई ने अगर कोई चेंज किया है पॉलिसी रेट में तो उसका इम्पैक्ट यूज़र तक, एटलीस्ट एंड यूज़र तक, हाउस होल्ड तक विजिबल होना चाहिए, तभी उसका इम्पैक्ट इकॉनमी पर देखने को मिलेगा. अगर मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स के रेट में चेंज हो रहा है और इवेंचुअली इंटरेस्ट रेट पर, इकॉनमी के इंटरेस्ट रेट पर, या इंडिविजुअल जो हाउस होल्ड्स हैं वो जो लोन ले रहे हैं उसके इंटरेस्ट रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसको हम बोलते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी प्रॉपरली ट्रांसमिटेड नहीं हुई. तो उसी को लेकर के जो माइकल पैट्रा हैं, जो डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई, उन्होंने बोला कि रीसेंट टाइम में डोमेस्टिक मार्केट में कुछ इस तरह से चेंजेस देखने को मिले हैं. लिक्विडिटी सिचुएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर उन चेंजेस में, जिसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी का जो ट्रांसमिशन है वो बहुत स्पेसिफिकली, क्लियरली या इफेक्टिव मैनर में नहीं हो पा रहा, जिसका इम्पैक्ट जो है वो हमें अदर मार्केट्स पर भी, बॉन्ड मार्केट्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की मार्केट पर विजिबल हो रहा है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. कैपिटल गेन्स टैक्स स्ट्रक्चर ट्वीक लाइकली इन नेक्स्ट बजट. बजट आने वाला है फाइनेंशियल ईयर 24 का, उसकी तैयारी शुरू हो गई और हर बार हर दिन बजट से रिलेटेड एक न्यूज़ आ रही है जिसको हम कंटिन्यूसली कवर कर रहे हैं. इस बार जो गवर्नमेंट बजट में प्लानिंग कर रही है, इस बार गवर्नमेंट जो कैपिटल गेन टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आने का, ट्वीक मतलब उसको चेंज करना. तो बेसिकली जो कैपिटल गेन टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें इस बार गवर्नमेंट सोच रही है, थिंक कर रही है, बोल सकते हैं प्रपोज कर रही है कि इस बार जो कैपिटल गेन टैक्स स्ट्रक्चर है उस पर चेंज लाया जाए. आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं व्हाट इज कैपिटल गेन टैक्स. अब क्वेश्चन ये होता है व्हाई गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग दिस कैपिटल गेन टैक्स स्ट्रक्चर चेंजेस. क्यों गवर्नमेंट कैपिटल गेन जो टैक्स स्ट्रक्चर है इंडिया में उसमें चेंज लाना चाह रही है. तो बेसिकली गवर्नमेंट चाह रही है कि जो अदर टैक्स रेट्स हैं, जो अदर इन्वेस्टमेंट है उसमें जिस तरीके से टैक्स लगते हैं, उससे पैरिटी हो जाए, कि जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, इक्विटी डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट कैपिटल गेन टैक्स लगाती है, उन सब में एक यूनिफॉर्मिटी देखने को मिले. इसीलिए इस बार गवर्नमेंट अपकमिंग बजट में जो कैपिटल गेन टैक्स स्ट्रक्चर उसमें चेंज लाने की कोशिश कर सकती है एज पर द करंट इंफॉर्मेशन. अभी का क्या स्ट्रक्चर, अभी हम देखें तो डिफरेंट असेट क्लास के लिए एक यूनिफॉर्म टैक्स नहीं है, अलग अलग असेट क्लास के लिए अलग अलग परसेंटेज का कैपिटल गेन टैक्स लगता है. और इसीलिए कई बार ये जो कैपिटल गेन कैलकुलेशन होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जो इंडिविजुअल होते हैं वो उस टैक्स का कैलकुलेशन नहीं कर पाए. दैट इज़ वाई गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू सिंप्लीफाई इट, वॉन्ट्स टू यूनिफॉर्म दिस कैपिटल गेन टैक्स स्ट्रक्चर. और प्रॉबेबली नेक्स्ट बजट में इसके लिए प्रपोजल भी हमें देखने को मिल सकता है. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे students. If you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query or suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.